नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज में और मैं हूं आपके साथ कोमल झा। पिछले 8 महीने से धरने पे बैठे कथित किसानों ने कई बार कहा है कि सरकार उनसे वार्तालाप नहीं कर रही है, पर सवाल ये उठता है कि क्या किसान खुद सुलह करना चाहते हैं? किसान के नाम पर ये जो खालिस्तानी देश के किसान को बदनाम कर रहे हैं, किसान मोर्चा अब कुछ और ही रुख ले चुका है। पहले भी ऐसी खबरें सामने आई थी जब किसान ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को घेर के उनसे बदसलूकी और बदतमीजी की थी। अब ऐसी एक और खबर सामने आ रही है जहां बीजेपी के जन आशीर्वाद यात्रा के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन के चड़ूनी टिकैत समर्थकों ने कई घंटों तक काशीपुर हाईवे पर जाम लगा रखा था। जैसे ही यात्रा आने की भनक किसानों को लगी, वो बड़ी संख्या में काशीपुर हाईवे पर खड़े हो गए और अलग अलग टोलियां बनाकर काले झंडे दिखाने के लिए भीड़ इकट्ठा करने लगे, जिसके बाद पुलिस और किसानों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई और आखिरी में पुलिस को किसानों को गिरफ्तार करके थाने ले जाना पड़ा। बता दें, पुलिस ने करीब 300 किसानों को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद निजी बातचीत पर किसान नेता और समर्थकों को छोड़ दिया गया है। बुधवार की सुबह 11 बजे से ही काशीपुर हाईवे के पास किसान इकट्ठा होने लगे थे और जब दोपहर 2:30 बजे यात्रा आने की भनक लगी तो किसानों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई, जहां करीब 300 किसानों की गिरफ्तारी से गुस्साए किसानों ने हाईवे पर ही धरना प्रदर्शन किया और जाम लगा दिया। हालांकि पुलिस बल वहां पहले से ही मौजूद थी, जिसकी वजह से उन्हें अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। सैकड़ों किसानों की गिरफ्तारी के बाद भी किसानों ने केंद्रीय राज्यमंत्री को काले झंडे दिखाकर पुलिस की रणनीति को फेल कर दिया। पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद लगभग 300 किसानों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज।